अस्सलामुअलैकुम। बहुत काम आने वाले कुकिंग टिप्स महिलाएं समय निकाल कर ज़रूर सुने। नंबर वन, अगर आपके पास बहुत सारे नींबू रखे हैं या फिर सर्दियों में नींबू बहुत ही सस्ते और रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं तो आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर आप ऐसा ही इनको स्टोर करेंगे तो ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे, ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में। तो क्या करें, तो इसके लिए आप नींबू ले लें, इनको फिर आप निचोड़ कर रख लें। पर अक्सर क्या होता है, नींबू सख्त हो जाते हैं फ्रिज में रखने के बाद, इसका जब आप रस निकालते हैं तो आसानी से नहीं निकलता है। तो आपको जो मैं टिप बता रही हूँ ये आजमाइएगा, आप नींबू को माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लें, फिर देखिएगा नींबू का रस आराम से सारा निकल जाएगा। आपको ज़्यादा स्क्वीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली निकल जाएगा। और इसका एक तरीका ये भी है, अगर ये आराम से इस टाइप से भी आपको नहीं माइक्रोवेव अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ले लें कद्दूकस, जो टूल्स होते हैं हमारी किचन में वो ले लें आप। कद्दूकस पे हल्का सा रब करें, फिर आप नींबू को स्क्वीज़ करें, सारा रस इजीली निकल जाएगा। और अब आपने नींबू का रस तो निकाल लिया, अब इसे चाहे तो आप छान कर रख सकते हैं या फिर ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हैं। नींबू के रस में मतलब बहुत सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं जो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर टू, साफ़ कपड़े को विनेगर में डुबोकर उससे किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करें, इससे प्लेटफॉर्म पर जमी गंदगी साफ़ हो जाती है और कीटाणु भी मर जाते हैं। नंबर थ्री, गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर प्लेटफॉर्म साफ़ करने से सफाई के साथ ही किचन इनकी खुशबू से भी महकने लगता है। नंबर फोर, चींटी और कॉकरोच को किचन से दूर रखने के लिए कुछ भी काटने के बाद प्लेटफॉर्म को गीले कपड़े से साफ ज़रूर करें। नंबर फाइव, किचन टाइल्स की सफाई, टाइल्स पर लगे दाग धब्बों को विनेगर से पोंछकर तुरंत साबुन मिले गर्म पानी से धो लें, पैराफिन और नमक से कपड़ा भिगोकर टाइल्स साफ करें, इससे इनकी चमक बनी रहती है। टाइल्स पर नींबू रगड़कर 15 मिनट बाद मुलायम कपड़े से साफ करने पर भी उनकी चमक बरकरार रहती है। नंबर सेवन, टाइल्स पर अगर पीले दाग पड़ गए हैं तो नमक और तारपीन के तेल से उन्हें साफ करें। नंबर एट, लिक्विड अमोनिया और साबुन के घोल से भी टाइल्स पर लगे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। टाइल्स को शाइनी बनाए रखने के लिए उन पर रात भर ब्लीचिंग पाउडर लगाकर छोड़ दें और सुबह साफ कर लें। नंबर नाइन, किचन के कैबिनेट्स गर्म पानी में साबुन मिलाकर उसमें स्पंज या स्क्रबिंग पैड डुबोकर कैबिनेट्स को साफ करें। कैबिनेट के दरवाजे, हैंडल और खोलने की जगह पर अच्छी तरह साफ सफाई करें, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। अगर आप कैबिनेट की सफाई के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो किसी भी हाउस होल्ड क्लीनर से इसकी सफाई कर सकती हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले इसे कैबिनेट के छोटे से हिस्से पर लगा कर देख लें कि इससे कहीं कैबिनेट की फिनिशिंग ख़राब तो नहीं हो रही। नंबर 11, ग्रीस और तेल के दाग छुटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विनेगर का इस्तेमाल। अगर दाग हल्के हैं तो विनेगर में आधा पानी मिलाइए, और दाग यदि गहरे हैं तो सिर्फ विनेगर से उन्हें साफ करें। नींबू और क्लब सोडे से भी तेल और ग्रीस के दाग छुटाए जा सकते हैं। नंबर 12, किचन कैबिनेट को अंदर से फर्निश पेंट कराइए, इससे कीड़े मकौड़े, कॉकरोच आदि से बचा जा सकता है। नंबर 13, किचन काउंटर पर रखे अप्लाइंसेस को हटाकर गीले कपड़े से दिन में दो बार किचन कैबिनेट और दिन में एक बार काउंटर की सफाई ज़रूर करें। नंबर 14, किचन सिंक में जमी सफ़ेदी को साफ करने के लिए आधा कप पानी में 3 से 4 टीस्पून विनेगर मिलाकर सिंक में लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर अखबार से पोंछ दें। यदि सिंक जाम हो जाए तो नमक और सोडा बराबर मात्रा में मिलाकर सिंक के छेद में डाल दें, फिर 1 टीस्पून डिटर्जेंट डालें, 15 मिनट बाद गर्म पानी की तेज़ धार डालें और फिर ठंडा पानी डालें, सिंक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नंबर 15, हर बार डिशवॉशर का इस्तेमाल करने के बाद फ़िल्टर को तुरंत साफ़ कर दें, इससे अगली बार इस्तेमाल करते समय ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी। छोटे ब्रश की मदद से पहले डिशवॉशर के दरवाजे की सफाई करें, फिर धीरे धीरे अंदर की।
जाली साफ करें। जो हिस्सा ब्रश से साफ ना हो पाए उसे स्पंज से साफ करें। स्पंज को साबुन वाले गर्म पानी में भिगोकर दरवाजे के अंदर और उन हिस्सों की सफाई करें जहां गंदगी जमी हो। निचली रैक को निकालकर ड्रेन एरिया को अच्छी तरह साफ करें और देखें कि कहीं कोई सख्त चीज़ तो नहीं फंसी है, क्योंकि इससे ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की स्थिति में पंप को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही बर्तनों में भी करोच लग सकती हैं। डिशवॉशर से चिकनाई और दुर्गंध दूर करने के लिए उसमें 1 कप वाइट विनेगर और गर्म पानी डालकर चलाइए। इस बात का ध्यान रखें कि विनेगर वाले कप के अलावा उसमें कोई और बर्तन ना हो। नंबर 16, सप्ताह में 2 बार गैस चूल्हे की सफाई करें। सबसे पहले गैस का मेन कनेक्शन बंद कर दें, फिर गीले स्पंज से चूल्हे के ऊपरी हिस्से, नॉब्स और हैंडल की सफाई करें। चूल्हा रखने वाली जगह की सफाई के लिए गीले कपड़े को हॉट वाटर सोप में डुबोकर अच्छी तरह साफ करें। कोशिश करें कि कुकिंग के समय खाना चूल्हे और आसपास की जगहों पर ना फैले, और अगर फैल भी जाए तो इसे तुरंत साफ करें। सूख जाने पर दाग जल्दी नहीं छूटते हैं, और रोज़ाना खाना बनाने के बाद चूल्हे के आसपास रखे कैबिनेट पर लगे तेल के छींटे और गंदगी को अच्छी तरह साफ करें। इससे किचन में गंदगी नहीं फैलेगी और आपका रोज़ का काम आसान हो जाएगा। नंबर 17, फ्रिज की सफाई करने से पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दें और फ्रिज के बेस पर पेपर बिछा दें और दरवाज़ा बंद करके डीप फ्रीज कर दें। थोड़ी देर बाद भीगे हुए पेपर को अंदर की गंदगी साफ करते हुए निकाल दें। फ्रिज से आ रही बदबू दूर करने के लिए सफाई के दौरान बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, इससे बदबू दूर हो जाएगी। फ्रिज की ऊपरी सफाई माइक्रोफाइबर कपड़े से करें। फ्रिज में बचा हुआ खाना ज़्यादा दिन तक ना रखें, इससे बदबू फैल सकती है। नंबर 18, चॉपिंग बोर्ड मीन्स कटिंग बोर्ड को सिर्फ पानी और डिटर्जेंट से धोने से पर्याप्त नहीं है। बोर्ड के हैंडल और गहराई में कीटाणु इकट्ठा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, टमाटर के बीज और मिर्च के बीज भी अंदर तक चले जाते हैं और उन्हें बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है। अतः रोज़ाना इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह साफ करें। साथ ही सब्जियां और मीट काटने के लिए अलग अलग बोर्ड रखें ताकि आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। नंबर 19, बचे हुए आम के अचार से पराठे व पूरियां बनाइए। गूंदे हुए आटे की लोई में थोड़ा सा मसाला भरकर बेल लें। घी तेल लगाकर क्रिस्पी और सुनहरा होने तक सेक लें। चाय के साथ गरम गरम खाइए। 4 कद्दू, तोरी और लौकी को एक ही तरीके से बनाकर खाते हुए बोर हो गए होंगे, तो इसमें बचे हुए अचार का मसाला मिलाइए। सब्जियों का स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। नंबर 20, तुअर या चना दाल पकाते समय प्रेशर कुकर में मेथी दाने की छोटी पोटली रखकर पकाइए। इससे दाल का स्वाद भी बढ़ेगा और इसे पचाने में भी आसानी होगी। नंबर 21, रोज़ाना दाल के एक जैसे स्वाद से बोर हो गए हैं तो दाल को दूध में पकाइए। पकाते समय नमक ना डालें। जब दाल पक जाए तो उसमें तड़का दें और फ्रेश क्रीम मिलाइए। आखिर में स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। शाकाहारी दाल मुगलई तैयार है। नंबर 23, जब अचानक मेहमान आ जाएं और आपने साबुत उड़द की दाल बना रखी हो तो दाल की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें 1/2 कप दूध और 50 ग्राम मक्खन मिला दें। थोड़ी देर पकाने के बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च व थोड़ा सा गरम मसाला डालकर छौंक लगा लें। इससे आपकी दाल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और टेस्टी दाल मखनी भी तैयार हो जाएगी। नंबर 24, मूंग दाल को हल्का गलने तक पकाइए। इसमें बारीक कटी हुई पालक, बारीक कटी हुई सेम, कटे हुए गाजर, उबले हुए कॉर्न, हरी मटर, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर कुछ देर पकाइए। सौंफ पाउडर छिड़ककर सर्व करें। नंबर 25, मसूर दाल में हल्दी व नमक डालकर उबालें। कुकर खोलकर कद्दूकस की हुई आम की कैरी डालकर कुछ देर पकाइए। पैन में तेल गरम करें। जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का देकर सर्व करें। नंबर 30, थोड़े से दही में नमक, शक्कर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाइए। इस मिश्रण को एक ब्रेड पर लगाइए और दूसरे ब्रेड से ढक दें। तवे पर थोड़ा सा तेल डालें। तेल गरम हो जाए तो इसमें राई के दाने चटकने दें। इस तेल में ब्रेड को दोनों तरफ से सेक लें। स्वादिष्ट ब्रेड सैंडविच तैयार है। अब आप इसे सबके सामने सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए तो इसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है।
तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एक लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।